ये हसीन, कमसिन और चुलबुली दिखती थी और इनके चेहरे पर मासूमियत की झलक साफ नजर आती थी। आज हमारे कॉलेज में बहुत मजा आया। अच्छा, अंडे और सड़े टमाटर खा खा के राज और बॉनी की तो हालत खराब हो गई। क्या 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 क्या, क्या, क्या अंडे और सड़े टमाटर? हाँ, इन्होंने 80 के दशक में महज 15 साल की उम्र में सुपरस्टार राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल जैसे मजे हुए कलाकारों के साथ फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और पसंद भी की गयी। इन पर फिल्माए गए कुछ गाने हिट रहे थे और इनमें काफी संभावना नजर आती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते दौर की जानी मानी एक्ट्रेस अमिता इनकी मां थी और ये इंडस्ट्री की नामचिन हस्तियों कोरियोग्राफर फराह खान और साजिद खान की सौतेली बहन हैं। अरे जनाब, जरा वो शाम तो याद कीजिए जब आपकी सीटी बजती थी। सीटी? हाँ हाँ, सीटी। और मैं बेतहाशा भागकर खिड़की में आ जाती थी और फिर आपको देखकर मैं खुद सीटी बजाने लगती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना पर अपनी फिल्म के दौरान इन्हें गलत इरादे से छूने और गलत करने का गंभीर आरोप लगाया था? इसमें तेरी माँ की प्यार की भक्ति, एक बहन की दुआओं की शक्ति और तेरे बापू का आशीर्वाद शामिल है। और क्या आप यकीन मानेंगे कि अपनी पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद भी इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम देने से मना कर दिया गया, जिसके पीछे एक बड़े स्टार का हाथ बताया गया और इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब वहां से भी बाहर कर दिया गया तो ये इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई। तो कौन था इन सब के पीछे और कैसे इस एक्ट्रेस को इंडस्ट्री ने सच बोलने की सजा दी और कैसे फिर दर्शकों ने भी इन्हें भुला दिया, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बदनसीब अदाकारा की जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास वजह से काम नहीं दिया और इन्हें अपनी कठोरता और निर्दयता का शिकार बना लिया। जी हाँ, ये अभिनेत्री हैं सबीहा। शायद बहुत कम लोग ही इन्हें जानते होंगे, तो हम यहाँ बता दें कि इनकी माँ गुजरे जमाने की एक बेहतरीन अदाकारा थी जिनका नाम अमिता था। आपको इनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा तो याद ही होगी, जिसमें ये शम्मी कपूर के साथ लीड रोल में नजर आई थी और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं दे। जी हाँ, सबीहा इन्हीं की बेटी हैं और इनका जन्म 1971 में हुआ था। इनके जन्म की तारीख पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है, जिससे हम पुख्ता तौर पर ये नहीं बता सकते कि ये कब पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम कामरान खान था, जो कि एक एक्टर और डायरेक्टर थे। अमिता कामरान की दूसरी पत्नी थी। कामरान की पहली बीवी का नाम मेनका ईरानी था। पहली पत्नी मेनका ईरानी से भी कामरान के दो बच्चे पैदा हुए। उन बच्चों के नाम थे फराह खान और साजिद खान, जो कि आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। इस तरह अमिता जी की बेटी सबीहा साजिद खान और फराह खान की सौतेली बहन हुई। चलिए अब बात करते हैं सबीहा की फिल्मोग्राफी की। सबीहा ने 15 साल की उम्र में साल 1986 में आई फिल्म अनोखा रिश्ता से बॉलीवुड में शुरुआत की और इस फिल्म में इन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल, तनुजा और सफी ईमानदार के साथ काम किया। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बावजूद भी इन्हें अगले 4 साल तक कोई काम नहीं मिला और कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्हें काम देना तो छोड़ो, इनसे मिलने को भी कतराता था। इसके पीछे के कारण की चर्चा हम आगे अपने वीडियो में करेंगे। जब इन्हें काम नहीं मिला तो इन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए। उनमें से प्रमुख फिल्में रहीं बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, जय विक्रांता, मेरी आन, खिलाड़ी और जालिम। मैं तेरा लाला।
आपको अगर याद हो तो खिलाड़ी फिल्म में इन्होंने शीतल नाम की लड़की का रोल किया था, जिसको चाकू मारकर मर्डर कर दिया जाता है और फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लीड रोल ना मिल पाने के कारण इन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि कयामत की रात और सोने की जंजीर, जिनमें ये लीड रोल में दिखाई दी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबू, तुमने आज मेरी इज्जत बचाई। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बाबू। ये फर्ज तुम बार बार निभाओगे ना। लेकिन खूबसूरती और टैलेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री में इन्हें काम ना मिल पाने के कारण इन्होंने बहुत जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं कि इन्हें कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम क्यों नहीं देना चाहता था। तो आपको बता दें कि इनकी पहली फिल्म अनोखा रिश्ता में काम करने के दौरान ही इन्होंने अपनी माँ अमिता के साथ आकर पब्लिक डोमेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुपरस्टार राजेश खन्ना पर इल्जाम लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने इनके साथ अनुचित व्यवहार किया और इन्हें काफी हैरिस किया। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के खिलाफ लगे इस इल्जाम से बॉलीवुड में हर तरफ हंगामा मच गया, लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा असर खुद सबीहा पर ही हुआ। लोगों ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया और सबीहा को इंडस्ट्री में काम देना बंद कर दिया गया, तो वहीं कई फिल्मों से इन्हें बाहर तक निकाल दिया गया। कुछ फिल्मी जानकारों ने ये भी कहा कि इतने बड़े सुपरस्टार पर इल्जाम लगाने के बाद अब इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना नामुमकिन है, और हुआ भी ऐसा ही। तो वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आई कि राजेश खन्ना ने ही इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलने दिया और इनका करियर चौपट करवा दिया। खैर, सच चाहे जो भी रहा हो, कुल मिलाकर अपने पूरे फिल्मी करियर में सबीहा ने 10 से 12 फिल्में करने के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में इनकी आखिरी फिल्म थी जय विक्रांता, जो कि साल 1995 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि इसके बाद इनको किसी ने भी नहीं देखा और ये भी पता नहीं कि ये कहां चली गईं। सालों बाद एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल में बताया गया कि फिल्में छोड़ने के बाद सबीहा ने मुंबई में ही एक ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर काम किया था और इसके बाद ये किसी गल्फ कंट्री की एयरलाइंस में काम करने विदेश चली गई थी। फिर इनकी कोई भी जानकारी नहीं मिली और आज भी पब्लिक डोमेन में कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। अपने छोटे से फिल्मी करियर में सबीहा ने अपने कुछ फैंस बना लिए थे और वो इनके बारे में जानना चाहते थे, तो ये वीडियो हम उन्हीं फैंस के लिए लेकर आए हैं। हालांकि हमें अफसोस है कि हमारे पास भी काफी रिसर्च के बावजूद ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार रहे जिनका शुरुआती करियर खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन वो किसी न किसी कारण से अचानक लाइमलाइट से दूर हो गए। ऐसी ही एक्ट्रेस रहीं सबीहा। खैर, फिलहाल मिले अपडेट के मुताबिक सबीहा की मां एक्ट्रेस अमिता लंबे समय से अंधेरी पश्चिम के सात बंगला क्षेत्र स्थित अपने फ्लैट में रह रही हैं, जहां पहले सबीहा की नानी शकुंतला देवी और सबीहा भी उनके साथ रहती थी। लेकिन अब सबीहा की नानी का निधन हो चुका है, मां अमिता मुंबई में अकेली रहती हैं और सबीहा अभी भी खाड़ी के ही किसी देश की एयरलाइन में जॉब करती हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सबीहा और उनकी मां अमिता जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और इन्हें और दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं, और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।